Yo, so what's up guys, Multi Gamers is back with a new video और आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं the one and only GTA 5। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे मैं यहाँ पे क्यों खड़ा हूँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जिस गैरेज की मैंने बात करी थी ना, वो गैरेज यही है भाई। मैंने इस जगह को पूरी की पूरी जगह को खरीद लिया है, अब से ये माइकल यानी कि मेरी जगह होगी। और मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि मैंने कौन सी गाड़ी मॉडिफाई करवाई है, मतलब आप लोगों को पसंद आएगी भाई कि मैंने गाड़ी कौन सी मॉडिफाई करी है। और ये रही वो कार जिसको मैंने मॉडिफाई करवाया है। अब आप लोग यार सोच रहे होंगे कि यार वैसे तो कार दिखने में बहुत काफ़ी अच्छी लग रही है मुझे, और भाई काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर पावर आ गई है और भागने में भी काफ़ी अच्छी है। बट निकलते हैं पहले हम इसके अंदर से, गैरेज के अंदर से, तो मैं बाहर जाकर आपको थोड़ी सी लुक दिखाता हूँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि लाइक आप लोगों को लग रहा होगा माइकल पे इतना सारा पैसा कैसे आता जा रहा है धीरे धीरे करके, तो मैं आपको बताता हूँ। जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ना, मतलब जो डगन बॉस का राइट हैंड है जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, पहले उससे पहले हम लोग पहले देख लेते हैं कि कार अपनी कैसी है। देख रहे हो भाई क्या लुक है यार, ब्लू कलर मेरा फेवरेट है तो इसलिए मैंने ब्लू करवाया, और जो इसकी रिम है मैंने येलो कलर की करवाई है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक नंबर का बैठ रहा है। तो मैं इससे पहले आपको स्टोरी दिखा देता हूँ पिछली, यहाँ से होती है स्टोरी अपनी स्टार्ट। यहाँ पे जो अपना ड्राइवर है ना, ये ड्राइवर निकल रहा है बहुत बड़े मिशन के लिए। आप लोग सोच भी नहीं सकते ड्राइवर आज क्या करने वाला है। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैं बता रहा था कि मतलब पैसे इन लोगों पे कैसे इतने सारे आते जा रहे हैं। तो जो डगन बॉस का राइट हैंड है ना भाई, वो हमें बहुत सारे मिशंस दे रहा है। तो अब हम आगे निकलते हैं, मैप देख लिया हमने, तो वो हमें काफ़ी सारे पैसे देता है मिशंस करने के। तो अब हम धीरे धीरे ना उसकी बात मान के मिशन कर रहे हैं। और ये जो ड्राइवर आज मिशन करने वाला है ना, ये वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट मिशन मेरे को लगा है, क्योंकि इसमें ना हम लोगों को एक फ्लाइंग बोइंग जेट हाईजैक करना है। आप लोग समझ सकते हैं मतलब बोइंग जेट कितना बड़ा प्लेन होता है, इतना बड़ा प्लेन होता है कि भाई उसके अंदर कम से कम नहीं ना 10-15 गाड़ियां तो आराम से आ जाए बड़ी बड़ी। मतलब यार मैं आप लोगों को बताऊं तो मिलिट्री का होता है, और हमें ना यहाँ पे प्लेन ना थोड़ा नीचे करके उड़ाना पड़ेगा यार। एक्चुअली यहाँ पे पूरा का पूरा ये मिलिट्री बेस है, और मिलिट्री बेस में ना अगर तुम 100 मीटर के रेडियस में ऊपर की तरफ अपने प्लेन को उड़ाओगे ना, तो भाई मिलिट्री बेस के ना रेडार के अंदर आ जाओगे, और उससे पता चल जाएगा उन्हें कि ये एनिमी प्लेन है और बहुत ज़्यादा खतरा हो सकता है इस चीज़ में। तो इसलिए हम नीचे कर रहे हैं। और वो जो सामने आप लोगों को दिख रहा है ना, वो देखो उधर की साइड पर अगर आप लोगों को स्ट्रेट पर दिख रहा है, तो भाई हमें वही हाईजैक करना है। और उसके लिए हमें भाई काफ़ी लो डाउन उड़ना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा मुश्किल है भाई ये लो डाउन उड़ना, क्योंकि भाई नीचे पेड़ भी हैं और मतलब लाइक खंबे की तारे भी हैं, तो उस वजह से हम टकरा भी सकते हैं। तो मैं देख रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ नीचे काफ़ी नीचे हो जाए, क्योंकि यहाँ पे ना मिलिट्री बेस है पूरा का पूरा, इस पहाड़ी के पीछे पूरा मिलिट्री बेस है। लो भाई मैं टक्कर खा गया। देखा भाई मतलब एकदम से कंट्रोल, अगर तुम एक सेकेंड के लिए जॉयस्टिक छोड़ोगे ना तो पूरा प्लेन क्रैश है, तो काफ़ी मुश्किल लगा मुझे। तो मैंने भाई थोड़ा सा स्किप कर दिया है, क्योंकि वो स्टार्टिंग से होता है, फिर स्टार्टिंग से हमें एयरपोर्ट से उड़ाना पड़ता प्लेन को। तो अब हम नीचे की तरफ से चल रहे हैं, लेट्स सी क्या होता है। मैं पूरी की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्कुल डाउन रहूँ, बट यार काफ़ी रिस्की है ये, पर ये मिशन हो जाएगा। देखो भाई हमें भाई पहले ही बता दिया गया है कि भाई उस कार्गो प्लेन का पीछा करना है, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन के टच में रहना है भाई, ज़मीन से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ना है, ताकि हम रेडार के अंदर ना जाएं। भाई असल में तो प्लेन उड़ा नहीं सकते हैं, बट गेम में उड़ा रहे हैं तो मज़ा ही आ रहा है, मज़ा उड़ा है, उड़ाने का मज़ा अलग है। पिछली बार मैं यहीं पे क्रैश हो गया था। देखो ये आप लोग ना जैसे अगर ऊपर उड़ेंगे ना, तो भाई सिग्नल आने लग जाते हैं कि डाउन करो, अलार्म बजने लग जाएगा। देखो द मिलिट्री हैज बीन नॉन फ्लाइंग जोन, डोंट एंटर इन द प्लेन। ठीक है भाई, तो हम लोगों को इस मिलिट्री के अंदर नहीं घुसना, अगर हम यहाँ घुसे ना तो भाई अपना तो कचरा हो जाएगा। इससे जितना दूर हो सकता है उतना दूर, और नीचे से ही उड़ना पड़ेगा पूरा का पूरा। आप लोगों को अगर याद हो पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी हो ना, तो यहाँ से हमने ना भाई मिलिट्री का हेलीकॉप्टर चुराया था। no,
बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर जो आया था भाई उस मिशन को करने के लिए, सिर्फ एक ही बंदे पे जिग रहा था और वो है अपना ड्राइवर। ऐसे खतरनाक खेल तो भाई अपने ड्राइवर ही कर सकता है, बाकी किसी में दम नहीं है। यार यहाँ से मोड़ना बहुत मुश्किल है भाई, नहीं मोड़ पा रहा, ऊपर हाइट पे चला जा रहा है। एक तो भाई वो प्लेन इतना ज्यादा तेज उड़ रहा है ना यार, हम पहुंच भी नहीं पा रहे उस तक, और ऊपर से ये यहाँ पे पहाड़ आ चुके हैं यार, इसको पार कैसे करेंगे हम। नीचे वाले लोगों को हाय बाय कर देते हैं। ओ भाई यहाँ पे मून पहले से ही दिखने लग गया है, मतलब यहाँ रात कभी भी होने वाली है, किसी भी देर में रात हो जाएगी। भाई इससे नीचे कहाँ उड़ाऊँ यार, बिल्कुल भाई भाई ब्रिज से भी नीचे उड़ा रहा हूँ मैं, और फिर उसमें भी मुझे बोला जा रहा है कि और नीचे करो। भाई अगर मैं इससे ज़्यादा नीचे चला गया ना तो अपना प्लेन भाई क्रैश हो जाएगा, ये लोग समझते क्यों नहीं है इस बात को, पता नहीं भाई। इससे बढ़िया तो भाई सड़क में चलाने देते, बोलते भाई सड़क पे चला ले तू प्लेन को, उड़ा क्या रहा है। अब ये देखो भाई जितना नीचे हम उड़ रहे हैं ना उससे ऊंचे तो भाई पेड़ है यहाँ पे यार, तो इनको उड़ा उसको उड़ाएं कैसे। अब जैसे ही ऊपर करूँगा चिल्लाना शुरू कर देगा। और एक भाई वो जो प्लेन बंदा उड़ा रहा है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, और मुझे पता नहीं है भाई, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं यहीं पे लैंड कर दूंगा कहीं पे किसी की छत पे। ये देखो आम का पेड़ निकला भाई पीछे से, आम भी दिख रहे थे उसमें, हद है। जल्दी से पहुंच जाऊं तो भाई काफी सही रहेगा अपना सीन, पर मुश्किल है, थोड़ा सा दूर है, हम पहुंच जाएंगे, ज्यादा से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा अपने आप को। और मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल पे बिल्कुल नए हो ना तो भाई जल्दी से जाके ना सब्सक्राइब कर दो, और भाई बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। ऐसी मैं मज़ेदार वीडियोस आप लोगों के लिए लेता आऊँगा, आप लोग मेरे को सपोर्ट करें। और भाई मैं बच गया भाई, अपना तो सीन ही ख़त्म होने का था भाई। सबसे खतरनाक जगह है ये भाई, थोड़ी सी पंखुड़ी बची है वरना अगर टकरा जाती है ना नीचे, हो गया। ओके तो यहाँ से अपना मिलिट्री टारगेट जोन ना खत्म होता है, और अब हमें ना फुल खतरनाक वाले एक्शन पे जा रहे हैं। अब हमें इस प्लेन को हाईजैक करना है, और मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि भाई हमारे पास तो प्लेन पहले से ही है, और इस वाले प्लेन को हम हाईजैक कैसे करें, हम इसके अंदर जाएंगे कैसे। पहले तो एक स्पीड बढ़ाते हैं और इसके पास तक पहुंचते हैं, इसके पास जाके हमें पता चलेगा कि भाई क्या सीन है। तो चलो चलते हैं। इस प्लेन को कंट्रोल करना ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मेरे तो भाई बस की नहीं हो पा रहा है। ओके फ्लाई इनसाइड द कार्गो प्लेन, भाई पागल हो गए हो क्या यार, कार्गो प्लेन के अंदर कैसे ले जाऊँ भाई, इससे तो हिल रहा है, मतलब पूरा प्लेन इधर उधर जा रहा है, मेरे को ये कंट्रोल करना है, मैं इसको इसके अंदर कैसे करूँ। और ऊपर से भाई एनिमीज हमारे ऊपर गोलियों की बरसातें कर रहे हैं, और ग्रेनेड लॉन्चर से भी फेंक रहे हैं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि मैं एक एग्जैक्ट कैसे जाऊँ इसके अंदर। मैं तो सोच रहा हूँ ऊपर ही खड़ा कर दूँ, यहीं पर खड़ा कर दूँ क्या, यहीं पर रुक जाऊँगा, नीचे कूद के यहाँ पर घुस जाऊँगा इसके अंदर। भाई ये तो गोलियाँ मार रहे हैं यार, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। तभी मैंने आप लोगों को कहा था वन ऑफ द मोस्ट टफेस्ट गेम मिशन लगा है मुझे अभी तक का ये, और भाई नहीं हो पा रहा यार, नहीं हो पा रहा, बहुत मुश्किल है। देखो नो डाउट मैं ये नहीं कह रहा हूँ कार्गो प्लेन इधर उधर घूम रहा है, बट भाई जो हमारा प्लेन है ना उसको कंट्रोल करना और बिल्कुल एक्यूरेट यहाँ पर उतारना ना भाई इम्पॉसिबल था मुझे लग रहा है थोड़ा सा। ये देखो थोड़ा सा घुमा रहा हूँ भाई, इधर उधर डायरेक्शन में भाग जा रहा है, तो मैं कैसे करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा है। और ऊपर से ये गोलियाँ, अरे भाई रुक जाओ यार, गोली मत मारो, मैं
इन्होंने मेरे प्लेन को क्रैश करवा देना भाई, मुझे लग रहा है मेरा प्लेन होने वाला क्रैश। धुआं शुरू हो गया भाई, ख़त्म है अब तो। गया गया भाई, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, ऑटोमेटिकली डाउन जा रहा है। गया अपना मिशन ख़त्म, यहाँ पे अपना मिशन गया डाउन है। ओके, तो हमारे विंग्स प्रोपेलर में आग लग गई है और अब हम डाउन जाने वाले हैं और हम पानी में घुसने वाले हैं। तो ये वाला मिशन तो अपना होता है फेल। ये तो होता है फेल। चलो इस बार एक बार और ट्राई करते हैं, इस बार इतना भाई मैं कर दूंगा। एक बार मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया कि प्लेन के पास कैसे पहुंचना है, स्टेबिलिटी कैसे लेके आनी प्लेन के अंदर, तो इस बार मैं कर दूंगा। तो चलो भाई एक बार ना ट्राई करके देखते हैं, इसके नीचे से ना मैं जाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि अगर मैं नीचे की तरफ से गया तो ये लोग मुझ पर फायर ही कर पाएंगे। और यहाँ पर मैंने अपने विंग को इस पर अटैच कर दिया है और हम अपना अंदर घुस गए। यस, अब आएंगे मज़े तगड़े वाले, अब मचाते हैं खतरनाक वाला आतंक। आ जा बेटा, ले तेरे लिए तो गिफ्ट। ये रहा खत बन रहा है, वो भी गया। ये रहा, अबे ये कैसे नहीं मरा इसके। अबे शिट यार, मुझे लगा ये वाला बंदा मर गया है भाई। कोई बात नहीं, इस बार ट्राई करते हैं। वैसे काफ़ी सारे झुट मुझ पे फायर कर रहे हैं। ले बेटा तेरी ऐसी तैसी। अरे यार शिट, इसको मारने के चक्कर में पीछे वाले ने मुझे गोली मार दी। बट कोई बात नहीं, एक बार लास्ट ट्राई और करते हैं। इस बार ही ना किसी को भी नहीं छोड़ूंगा, थोड़ा सेफ ही छोड़ूंगा। चलो लेट्स गो। और गया, भाई जी पे गिरती आ रही है मेरी तरफ। कोई मेरे ऊपर ना गिर जाए वरना मैं प्लेन से नीचे गिर जाऊंगा यार, यहाँ पे एंगल अच्छा नहीं बन रहा है। अब समय आ चुका है कि चौड़ा होके आगे जाके मारा जाए। गोली मार रहा हूँ, गया। एक और बच्चा आया है मेरे ख्याल से, नहीं कोई भी नहीं बचा है। चलो लेट्स गो, ऊपर चलते हैं। प्लेन तो भाई बहुत ज़्यादा हाइट पे उड़ रहा है। ओके, तो पायलट हमें मारने की कोशिश कर रहा है और भाई हमने पायलट को ही मार दिया। नहीं, अरे पायलट मरा नहीं, मतलब ये कैसा बंदा है भाई, इसके दिल के पास गोली लगी और तब भी नहीं मरा। और भाई अपने ड्राइवर के माथे पे गोली लगी है भाई, गेम का तो कोई सेंस समझ ही नहीं आता मुझे। माथे पे गोली लगी है वो तब भी भाई जिंदा है। ओके, फ्लाई द कार्गो प्लेन बैक टू द रन। यू देयर, आई गॉट द जेट, यू विद द बायर्स। वेलकमिंग पार्टीज हियर ट्रेवर। भाई इतने बड़े प्लेन को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है, बट हम कर लेंगे। और आप लोग देख रहे हो भाई, लोग गिर रहे हैं प्लेन में से, ध्यान से देखोगे ना तो लोग गिर रहे हैं, जो हमने मारे ना वो नीचे गिर रहे हैं, सामान भी गिर रहा है प्लेन में से। यार मिलिट्री वालों ने हम लोगों को देख लिया है, अब हम फंस गए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, उनके पास जेट फाइटर्स है और ये हमारी तरफ आ रहे हैं। उनको पता चल गया कि भाई हाईजैक कर लिया गया है कार्गो प्लेन को। नहीं मैं क्या करूं, ये तो अपनी ही तरफ ही आए जा रहे हैं।
भाई ये तो हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं, इनसे कैसे बचा जाए। ओके, इन्होंने मेरे प्लेन को ही तोड़ दिया, ये कैसे हो सकता है भाई। Meriwether cargo jet to ground control. Please be advised of a change of destination. We are now landing in Mackenzie Field. Swapping radio channels. Over. Ronnie, the cargo jet is now part of the TP Enterprise fleet. You with the mech? We are here, team. Awaiting your arrival. क्यों ना मैं ऐसा करूं कि जितने अपने जेट फाइटर आ रहे हैं ना, मैं उनकी हाइट से ऊपर उड़ूं। ओ भाई ये स्टंट। ऊपर उड़ाने की कोशिश करता हूँ, यही कर सकता हूँ, ऑप्शन यही है मेरे पास। Alright. Comply immediately. Maybe I'll give you 10% of what's in the hole. Then we're all happy. नहीं भाई कोई फायदा नहीं है। मुझे वो जो आप लोगों को मैप में दिख रहा है ना येलो कलर का साइन, बस वहां तक पहुंचना है। मैं कैसे भी पहुंचूं कि मुझ पर भाई हमला करना शुरू कर देंगे। अब Takedown is authorized. Change bearing or we will engage. I don't think you understand the effort I've gone to be here, pal. पीछे रह गए जेट फाइटर मुझसे। नहीं 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 यार ये पीछे पड़े हुए हैं बहुत ज़्यादा। टक्कर मार दी। इसकी ऐसी की तैसी। Hey, you wouldn't shoot me down anyway. Think of the ground casualties. इनसे ऊपर उड़ने की कोशिश करता हूँ। या तो बिल्कुल ही नीचे चलते हैं। भाई बहुत ज़्यादा नीचे हो गया हूँ। हमला करना शुरू कर दिया भाई इन्होंने प्लेन पे। इतना बड़ा कार्गो प्लेन है भाई, जमीन पर चाके गिर जाएगा लोगों के ऊपर। अरे भाई शिट 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 आग लग गई। अब मुझे नहीं पता क्या करना है। जंप का ऑप्शन भी नहीं आ रहा है। ओके तो हमें अब मौका मिल चुका है, हम इसको हाईजैक करके जो हमें लेना था वो हमें मिल चुका है, वो था बदला। और अब हम यहाँ से कूद के निकल रहे हैं बाहर। अलग ही मजा भाई। ओह प्लेन वो रहा भाई, प्लेन वहाँ है, देखते हैं हम स्पीड में जा रहे हैं काफी नीचे। ओके तो प्लेन हो रहा प्लेन। ओ भाई ब्लास्ट हो गया प्लेन, ख़त्म भाई। इतना बड़ा प्लेन पानी में गिर के ख़त्म। और हम भी सेफली लैंड कर चुके हैं, हम वापस से अपनी जगह पे आ गए जहाँ से हमने उड़ान भरी थी, हम वहीं पे वापस उतर गए। बट यार मुझे नहीं पता है नीचे कैसे उतरेगा, एकदम नहीं उतर पा रहा। ओके तो यहाँ पे लैंड करते हैं और ये हो गया। ओफो मिशन काफ़ी सही था। यहाँ पे होता है अपना मिशन पास, बधाई हो। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा, अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पे नए हो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन भी प्रेस कर देना न्यू अपडेट्स के लिए। और I saw the plane go down. आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। You might be able to salvage the hardware with dive gear or something. Oh, good idea.